हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्रेड आइसक्रीम बनाना बता रही हूं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। मैंने एक लीटर भैंस का दूध लिया है, उसमें से मैंने आधा गिलास से थोड़ा सा ज्यादा दूध को मैंने बचा लिया है। इसे मैंने एक बार दूध को गर्म कर लिया था, इसलिए इस टाइप से इसमें आपको मलाई नजर आ रही है। अगर आप इसे कच्चा भी यूज कर सकते हैं, एक बार उबालने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी मलाई जो है आपको निकालना नहीं है। इस दूध को मैं गैस पे रख रही हूँ गर्म करने के लिए। दूध को मैंने गैस पे रख दिया है, बीच बीच में इसे आप चलाते हुए अच्छे से उबाल लीजिए। मैंने 6 ब्रेड की स्लाइस लिए, इसकी जो साइड से इसे आप निकाल दीजिए। इससे हमारी आइसक्रीम का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा इनका टेस्ट नहीं आएगा। इसे आप ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज कर सकते हैं। इस टाइप से मैंने बिल्कुल निकाल दिया, आप भी पूरा निकाल के इसे अलग कर लीजिए। मैंने ब्रेड का जो ब्राउन पार्ट्स निकाला है वो थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए मैंने 2 ब्रेड ये एक्स्ट्रा लिए। अगर आपका कम है तो आप सिर्फ 6 ही पीस लीजिए, उसमें इजीली हो जाएगा। ये मीडियम साइज की ब्रेड, अगर आप बड़े साइज की ले रहे थे उस हिसाब से इसमें आप ले सकते हैं। मैंने 8 पीस का यूज करा है इसमें। इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। ब्रेड एकदम बिल्कुल पाउडर की तरह बारीक हो गई है, कितनी बढ़िया हमारी पीस गई है। इसी के अंदर मैं आधा कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर से जो टेस्ट है काफी बढ़िया आता है। इसके अलावा मैंने दूध जो निकाल लिया था एक्स्ट्रा, इसे आप इसमें डाल दीजिए। मैंने अभी इतना दूध और बचा लिया है। मुझे अगर पिसते समय पूरे दूध की जरूरत लगी तो मैं पूरा इसमें डाल दूंगी, अगर नहीं लगी तो इसे मैं बाद में यूज करूंगी। इसे मैं अच्छे से पीस लूंगी। इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है। इसके अंदर मैं बचा हुआ दूध भी पूरा डाल रही हूँ। पूरा डालने के बाद इसे मैं एक बार और अच्छे से पीस लूंगी। बिल्कुल बढ़िया और स्मूथ हमारा ये पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। दूध में भी अच्छा उबाल आ चुका था, गैस को मैंने बिल्कुल लो कर दिया। लो फ्लेम पे जो ये हमने पीस के तैयार करा है इसे आप पूरा डाल दीजिए। गैस को मैंने बिल्कुल लो रखा है। अभी इस तरह से इसे चलाते हुए पूरा आप उबाल लीजिए। गैस को मैं तेज कर रही हूँ। मैंने इसे इस तरह से कंटिन्यू चलाया है। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। गैस को मैंने लो कर दिया है। इसी के अंदर अब मैं शुगर डाल रही हूँ। मैंने 1 कप ये शक्कर ली है। आप थोड़ा सा मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर डालने के बाद इसे आप कंटिन्यू चलाते रहिए। गैस को थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए ताकि इसमें उबाली जल्दी आ जाए। शक्कर डालने के बाद इसमें उबाली आना स्टार्ट हो चुकी है। गैस को मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो गैस पर इसे आपको 10 मिनट तक उबालना है। हमारी आइसक्रीम उबल के तैयार हो रही है। जब तक मैंने 2 मीडियम साइज के मैंगो लिए हैं, इनका छिलका उतार दीजिए। इस तरह से पहले मैं इसमें कट लगा के उसके बाद छिलनी से इसका पूरा छिलका उतार कर इसके छोटे छोटे पीस में से मैं काट लूंगी। आम को मैंने इस तरह से काट कर पूरा मिक्सी के जार में डाल दिया है। इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करा है। इसे मैं अच्छे से पीस के इसकी एक प्यूरी जैसी बना लूंगी। इस तरह से मैंने इसे पीस के तैयार कर लिया है। इसे अभी आप साइड में रख दीजिए। मुझे इसे उबालते 10 मिनट का समय हो चुका। बीच बीच में इसे मैं चलाती रही थी, तले में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। इसे अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। इसे आप ठंडा करने के लिए रख दीजिए। मैंने इसे लगभग 1 घंटे से ज़्यादा थोड़ा ठंडा कर लिया था, पंखे की हवा में रखा था। ये देखिए बढ़िया ठंडी भी हो चुकी है और एकदम हमारी गाढ़ी हो चुकी है। आप देख सकते कितनी बढ़िया और एकदम दानेदार है। इसी के अंदर जो हमने आम को पीस के आम की प्यूरी बनाई थी इसे आप इसमें पूरा डाल दीजिए। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए बढ़िया इसका कलर आ गया। इसमें आम का फ्लेवर जो काफी अच्छे से आ गया है। इसे हम पूरा इसके अंदर डाल देंगे। इसे मैंने अच्छे से डाल दिया। इसे हम थोड़ा सा इस तरह स्टेप करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर है वो पूरी हमारी निकल जाएगी। मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम और पिस्ता। मैंने अच्छे से बारीक बारीक काटा है ताकि इसकी एक लेयर जैसी इसके ऊपर आ जाए।
इसी के ऊपर मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो इसे आप डालिए, कोई भी कलर के आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास रेड कलर की रखी थी इसलिए मैंने रेड डाल दिया। इसे इस तरह से मैं पॉलिथिन लगा के इसका ढक्कन लगा दूंगी ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी एयर ना जाए। अगर इसके अंदर एयर जाएगी तो इसके अंदर बर्फ 100% जमेगी, अगर बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी तो ही इसके अंदर बर्फ नहीं जमेगी। इसे मैं जमने के लिए फ्रीजर के अंदर कम से कम 6-8 घंटे के लिए रखूंगी, क्योंकि गर्मियों का समय है, गर्मी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। मैंने इसे जमने के लिए छोड़ दिया था। इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं, एकदम बढ़िया अच्छे से सेट हो गई। इसे आप 5 मिनट रखेंगे, उसके बाद इसे निकालेंगे तो हमारी इजीली निकल जाएगी। इस तरह से आप थोड़ा सा निकाल दीजिए। देखिए हमारी बिल्कुल आसानी से निकल गई है। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया हमारी आइसक्रीम जम के तैयार हुई है। इसे मैं सीधा करके आपको बताती हूँ। देखिए इसे मैंने पलट के सीधा कर लिया है। ये देखिए सारी चीजें हमारी इसमें अच्छे से चिपक गई है, काफी अच्छी लगती है खाने में, काफी ज्यादा टेस्टी है। इसे बिल्कुल आसानी से मैं काट रही हूँ। कितनी बढ़िया हमारी ये कट गई है। बिल्कुल हमारी आइसक्रीम कम सामान में जल्दी और झटपट बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए इसे मैं आपको पास दिखा रही हूँ कि कितनी बढ़िया ये दिख रही है, बिल्कुल मुंह में घुल जाती है। इसमें बिल्कुल भी आइस नहीं जमी, बस आपको जमाते समय एक ही चीज का ध्यान रखना है, इसे आपको अच्छे से पूरा पैक करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।